डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, क्या फरमाइएगा? हम देख रहे हैं कि इस आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल को लेकर नून लीग जो है उसने गैर मशरूत हिमायत के लिए जो है उन्होंने हमें वो हिमायत करते हुए नजर आए थे, अब कुछ हिचकिचाहट का शिकार भी नजर आ रही है नून लीग, तो ये ओवर द नाइट ये चेंज जो है ये कैसे वाकया हो गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि ये एक नेशनल इशू है और हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने जाती मफादात से बालातर होके हमें ये डिसीजन लेना है, और ये कोई एक वन टाइम डिसीजन नहीं है। ये आज पीटीआई की गवर्नमेंट है, कल को किसी और की गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो ये एक मुल्की मफाद में एक लॉन्ग टर्म जो है उसका इफेक्ट होगा, और इस अमेंडमेंट के लिए मैं समझती हूँ कि पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने आज तक तो बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया था, और उन लोगों ने इसके साथ जैसे अपनी भरपूर हमायत का हम लोगों को यकीन भी दिलाया था, और अभी तक जिस तरह से जो मीटिंग होती रही है पार्लियामेंट के अंदर भी और साइड पर की जो मीटिंग होती रही है उसके अंदर इन्होंने पूरी तरह से कोऑपरेट किया था। देखिए, ये कुछ लेजिस्लेशन जो जाहिर है मौजूद है उनमें कुछ गैप्स थे जो कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे जजेस ने, जुडिशरी ने जो है उनको पॉइंट आउट किया था, और ये उन्होंने डिसीजन डाला भी पार्लियामेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट जो है इन गैप्स को जो है वो फिलअप करे और जहाँ लेजिस्लेशन वीकनेसेस नजर आ रही है उसको एड्रेस किया जाए।